हेलो, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, खुश हैं। हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इस बुधवार को 26 मई को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये चंद्र ग्रहण इंडिया में ये नहीं देखा जाएगा। इसीलिए किसी को भी इसके लिए वहम पालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई भी पालन आपको नहीं करना है। मगर फिर भी अगर आपको लगता ही है, तो विशेष गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ बातें अभी हम बता रहे हैं, उसका ध्यान रखें। पहली बात, ये सिर्फ गर्भवती महिला को ही करना है, ना कि पति को, पुरुष को नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे ही ग्रहण शुरू होता है, तांबे के लोटे में तुलसी के 3 पत्ते डाल के, पानी डाल के उसे रख लें घर पर, और जब ही ग्रहण पूरा हो जाए, ग्रहण काल के बाद उसे चंद्र को चढ़ा दें। दूसरा नियम, चंद्र ग्रहण काल के समय में सोना नहीं है। बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, सोना नहीं है। तीसरा, कोई भी चीज़ को कट नहीं करना है, छुरी चाकू कैंची नहीं उठानी है। चौथा, आपको ग्रहण पूरा होने के बाद नहाने के बाद उन कपड़ों को साबुन सर्फ नहीं लगाना है। उन कपड़ों को पानी में भिगो के रख देना है, अगले दिन आप उन्हें कैसे भी धो सकते हैं। चंद्र ग्रहण पूरा हो जाने के बाद आप वैसे फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। सिर्फ ये गर्भवती महिलाओं के लिए ही विशेष था। बाकी हम फिर से दोहराएंगे कि चंद्र ग्रहण की छाया असर हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है। आप सभी को वहम पालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फिर भी इस विषय में किसी को भी कुछ पूछना हो, या अपनी पत्रिका दिखानी हो, या फिर और भी जानकारी लेनी हो ज्योतिष से जुड़े हुए विषय में, तो दिए गए नंबर पर आप सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे के बीच में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं।